आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल में खाली विवादित भूखंड का मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ओर जहां भूखंड स्वामी अपनी भूमि का दावा कर रहे हैं, तो वही दूसरी ओर पुलिस चौकी प्रशासन ने अपनी भूमि बताई है। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल पुलिस चौकी के पास खाली पड़े एक भूखंड का है, जहां करहल निवासी अवनीश सिंह ने जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र देकर उसने अपनी भूमि पर निर्माण कार्य करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस विभाग करहल खाली भूखंड को अपना बताए जाने पर जिलाधिकारी महोदय ने थाना भवन की पैमाइश कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर तहसीलदार कमल कुमार सिंह के नेतृत्व में तहसील की राजस्व टीम पुराना थाना भवन पहुंची, जहां उन्होंने सरकारी अभिलेखों नक्शा आदि के आधार पर उसकी पैमाइश शुरू की है। तहसीलदार के साथ राजस्व निरीक्षक लेखपाल आदि ने जहां घंटों नाप तौल की, वहीं दूसरी ओर थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ नाप तौल के दौरान मौजूद दिखे। पीड़ित पक्ष के अवनीश कुमार ने आरोप लगाया कि उसके निजी खाली भूखंड पर निर्माण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। बहरहाल विवादित खाली भूखंड एवं पुराना थाना पुलिस चौकी भवन की पैमाइश को लेकर अधिकारियों एवं पीड़ित पक्ष ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। न्यूज 9 भारत के लिए मैनपुरी से रामकिशोर वर्मा की रिपोर्ट। सर, एक पुराना थाना भवन में पुलिस बल के साथ ये नापतौल की जा रही है, क्या है पूरा मामला? ये प्रकरण एक अवनीश कुमार जी हैं, उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है कि थाने पुराने थाने के बगल खाली पड़ी हुई जमीन है जी, और उनके द्वारा बताया गया कि हमारे पुराने पुस्तों की जमीन है, लेकिन ये अभिलेखों से भी क्लियर नहीं हुआ है। ये नाप जोक की जा रही है, थाने और राजस्व की तीनों टीम उपस्थित है, नाप होने के बाद देखा जाएगा किसकी क्या है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अवनीश कुमार है। अच्छा, आपने कोई शिकायत की है थाने भवन के पास एक पुराना भूखंड है, उस पर नापतौल करिए, क्या है पूरा मामला? पुराना थाना वर्तमान चौकी के पास में हमारा एक सटा हुआ प्लाट है जी, जिसको पुलिस विभाग द्वारा रोका जाता था, जिसकी 5 बार पैमाइश हो चुकी है, उसके साक्ष्य मेरे पास है। पूर्व में वो उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे लिखित में बताया गया आपका प्लाट आपका कब्जा आप बनाइए, लेकिन थाना अध्यक्ष द्वारा मुझे बार बार रोक दिया जाता था। आज पुलिस और तहसीलदार साहब की मौजूदगी में पैमाइश हो रही है, हमें न्याय दिलाया जाए, हमारा जो प्लाट है वो हमें दिलाया जाए। क्या लगता है आपको ये जो आज नापतौल हो रही है, 5 बार नापतौल हो रही है, तो हो चुकी है न्याय की उम्मीद तो कमी है, लेकिन अब तहसीलदार साहब नए आए हैं तो थोड़ा न्याय की उम्मीद है, शायद कुछ हमारे लिए करें और हमें न्याय दिलाएं, हमें जो सच्चाई है वो क्लियर कर दें। जो थाने की जगह है हमें उसमें 1 इंच भी नहीं चाहिए, और हमारी जो जगह है वो छोड़ दिया। मैं इंस्पेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि या तो वो अपने थाने का रकबा ले लें और हमारी ज़मीन छोड़ दें, या फिर हमारी ज़मीन हमें दें, थाने का जितना भी रकबा हमें उससे कोई लेना देना नहीं। धन्यवाद। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।